तो गाइस टाइम हो रहा है 8:41 और हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया ब्लॉग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे नए नए ब्लॉग देखने को मिल सके। और हम कर रहे हैं डेली ब्लॉग के हिसाब से ये ब्लॉगिंग शूटिंग। और सुबह का टाइम है और गाइस यहाँ पर हो रही है काफ़ी ज़्यादा ठंड, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि आपको आसपास के मकान भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और फिर भी थोड़ी बहुत सूरज की जो छटा है वो हमें देखने को तो मिली है, आपको दिखाते हैं। और पीछे आपको वीडियो में दिख रहे हैं हमारे कोको। तो देखो आप सूरज देवता का माहौल गाइस, तो देखो आप बिल्कुल ही मेरे पास आ गए हैं, आप देख सकते हैं आप। और आपको इनसे मिलाते हैं, तो चलिए। तो गाइस ये हमारा कोको, और आजकल ये नाता भी नहीं है। तो गाइस सर्दी इतनी भयंकर है कि इसको हम नहलाते नहीं हैं, थोड़े दिन 8-10 दिन में ये नहाता है आराम से। और अभी हाल फिलहाल इसका शैम्पू भी ख़त्म हो गया गाइस, तो वो भी लाना है, बाज़ार जाके लाएंगे। कोको कोको देखना गाइस, ये हैंड शेक करेगा, आपको दिखाता हूँ मैं। हैंड शेक गुड बॉय, हैंड शेक। तो गाइस ये देखो दूसरे है, दोनों हाथों से करता है हैंड शेक। तो गाइस बीच में इसको कुछ बीमारी हो गई थी, तो बहुत टाइम तक तो ये इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि इसके आसपास कोई आ ही नहीं सकता था। फिर धीरे धीरे इसने रिकवरी करी और 1-1.5 महीने में वापस ये सबके साथ खेलने मिलने लग गया। और गाइस इसको बीमारी ये हुई थी कि इसके जो अंडकोश थे वो बिल्कुल छिल गए थे, तो उस पर इंजेक्शन लगाते थे हम इसको पकड़ के, क्योंकि ऐसे तो ये क्या है कवर ही नहीं कर पाता था चीज़ें, और ये चिड़चिड़ा सा हो जाता था। आप भी जानते हैं कि काफ़ी जलन होती है, और फिर ये तो एनिमल्स हैं, तो बड़ी मुश्किल से इसको बांध के और फिर इसके इंजेक्शन लगाते थे। तो ये उस वजह से शायद चिड़चिड़ा हो गया था, तो ये किसी को आसपास ही नहीं आने देता बिल्कुल भी। और देखो ये मेरी बातें आराम से ध्यान से सुनता है। तो देखो ये ऐसे आराम से खड़ा होके बातें सुनता रहता है क्या क्या कह रहे हैं, और इसको समझ में भी सब कुछ आता है। ओको 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 देखो इसके नाम से देख लेता है। तो गाइस ब्लॉग शूट करने से पहले मैं मॉर्निंग वॉक करके आ चुका हूँ, और ब्रश भी मैंने कर लिया है गाइस। और थोड़ा मैं लेट हो गया ताकि ये चीज़ें मैं वीडियो में दिखा नहीं पाया, और आप सोचते कि सभी चीज़ें दिखा रहा है, तो इस वजह से मैंने दिखा ही नहीं। और बाकी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, आज दिखाता हूँ मेरे रूम का टूर कराऊँगा आपको कि मेरा रूम किस प्रकार का है। तो चलिए आप बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को यार लाइक ज़रूर करें। हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो जाए मेरे से वीडियो बनाने में, पर मैं मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो कैसे बनाई जाती है। और गाइस मैंने सौरभ जोशी ब्लॉग्स के थ्रू ही अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, पहले मेरे को कुछ भी नहीं करना आता था ऐसा कुछ खास, पर धीरे धीरे मैं उनके डेली ब्लॉग देखता गया और धीरे धीरे बहुत कुछ सीख गया हूँ। और गाइस अभी तो 2000 के आसपास सब्सक्राइब भी हो चुके हैं, तो गाइस आप सभी का सपोर्ट प्यार इसी प्रकार से बना रहे, और मैं डेली अच्छे से अच्छे ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगा। तो दिखाता हूँ आपको रूम अपना और शेयर करता हूँ आपके साथ, तो चलिए। तो गाइस हम आ चुके हैं नीचे, और अभी यह है हमारा रूम, और हम जलाते हैं सबसे पहले तो लाइट ऑन कर दिए गाइस, और आपको दिखाता हूँ मेरा रूम इस प्रकार है। ये मेरा बेड है, तो गाइस पहले तो लॉक कर लेते हैं वापस। और ये बेड है मेरा, और यहाँ पर रखा हुआ है आज सुबह का न्यूज़पेपर, जो कि मैंने अभी तक तो पढ़ा नहीं, अब पढ़ेंगे थोड़ी देर में, अभी तो रख देते हैं। ये चेयर लगी हुई है, और ये मेरा गिटार है जो मैंने अमेजन से ख़रीदा था 5000 रुपये में। ये मेरी स्टडी टेबल है, तो मैं यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ। और ये मेरा लैपटॉप है जो मैंने अमेजन से ख़रीदा है। और ये मेरी बुकें हैं थोड़ी बहुत। और गाइस ये मेरा मिरर है, हो सकता है अभी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही हो, क्योंकि गाइस अभी मेरे पास 7 है। तो गाइस यही था मेरा रूम जो मैंने आपको दिखाया। तो गाइस आज तो हमने बिल्कुल छोटा सा ब्लॉग यहाँ पर शूट किया है, और आने वाले ब्लॉग में हम आपको डेली रूटीन की बातें और सभी चीज़ें दिखाएंगे,
तो गाइज आपको ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।